शनि की वक्री चाल सभी राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। कुछ राशियों के लिए यह विशेष अशुभ रहेगी। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं राशियों और उनके लिए उपाय के बारे में बात करेंगे। न्याय के कारक ग्रह शनि को ज्योतिष में अत्यंत कठोर स्वभाव वाला बताया गया है। ऐसे में शनि का गोचर भी सभी लोगों पर प्रभाव डालने वाला माना गया है। पंचांग के अनुसार 17 जून 2023 शनिवार को रात्रि 10:48 पर शनि कुंभ राशि में वक्री होगा। यह वक्री अवस्था 4 नवंबर 2023 को सुबह 8:26 तक रहेगी। आचार्य अनुपम जौली के अनुसार शनि की वक्री चाल सभी राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। कुछ राशियों के लिए यह विशेष अशुभ रहेगी। इस दौरान शनि के कुछ खास ज्योतिषीय उपाय करना इन राशियों के लिए राहत लेकर आएगा। जानिए वक्री शनि किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। मेष राशि। शनि की वक्री चाल के चलते मेष राशि वालों को अचानक ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे कठोर परिश्रम करेंगे परंतु परिश्रम के अनुसार उन्हें लाभ नहीं होगा। ऑफिस में अत्यधिक वर्कलोड के चलते स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि। शनि का गोचर कर्क राशि के लिए कष्टदायक समय लेकर आ रहा है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना संभव है। नौकरी करने वाले जातकों को मानसिक पीड़ा और अवसाद झेलना पड़ सकता है। परिवार में भी मतभेद रहेंगे। माँ दुर्गा की स्तुति करने से कष्ट शांत होगा। तुला राशि। वक्री शनि का गोचर तुला राशि के लिए ढेर सारी समस्याएं और चुनौतियां लाएगा। यदि आप नौकरी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुकना उचित होगा। नौकरी परिवर्तन करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी का व्रत करने से मनचाही सफलता मिलेगी। कुंभ राशि। शनि का गोचर स्वराशि कुंभ में ही हो रहा है, इसलिए अत्यधिक मानसिक तनाव तथा स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करना उपयुक्त रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद रहने की संभावना है। रुद्राभिषेक करवाएं एवं नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।